लेट मी चेक, लेट मी चेक, आई कैन डू सिस्टमेटिकली ऑल्सो, बट लेट मी चेक। नाइन टाइम्स हाँ, ये आना चाहिए, एन स्क्वायर मारा ना। या तो फिर एरिया को एक बार क्रिकेट करने का फिर ऊपर जाता हाँ ये है, इफ लेंथ इज मेड ट्वाइस थ्राइस, इसके लिए यही करना है एक्चुअली, उसके लिए भी वही करना है जो मैंने ट्रिक बताया था पहले वाले प्रॉब्लम में। सी हियर, बट यू टेल मी, इफ लेंथ इज मेड ट्राइस, लेंथ इज मेड ट्राइस द ओरिजिनल, आई हैव टू चेक इफ लेंथ इज मेड ट्राइस द ओरिजिनल न्यू रेजिस्टेंस इज, मैं बात करेगा उसके पहले मैं एक और बात करेगा, देन न्यू रेजिस्टेंस इज, इफ लेंथ इज मेड ट्राइस देन न्यू रेजिस्टेंस इज। सी लेंथ इज मेड ट्राइस मतलब हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज, दिस इज माई क्वेश्चन। इफ लेंथ इज मेड ट्राइस, माई क्वेश्चन इज देयर, डोंट टच पेन, ए डोंकी टचिंग पेन, डोंट टच पेन, ब्रेन नो टचिंग पेन, हाउ विल यू इंप्रूव रे कॉम्पिटिटिव, ट्राई टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ नॉट टचिंग द पेन, यू हैव टू मेक योर ब्रेन वर्क, यू कैन नॉट मेक योर हैंड वर्क ऑलवेज। थिंक इफ लेंथ इज मेड ट्राइस, लेंथ इज मेड थ्राइस, माई क्वेश्चन टू यू इज, माई क्वेश्चन टू यू इज, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज, ये मेरा क्वेश्चन, दिस वॉज माई डाउट। नाउ लेट मी सी हु आंसर्स इट। ओहो आद्या शुभान करेक्ट, वेरी गुड, रचना रॉन्ग, आई एक्सपेक्टेड दैट द पीपल विल डू रॉन्ग, प्रतीक रॉन्ग, आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रतीक ऑल्सो, आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम कार्तिक ऑल्सो, अनुज रॉन्ग, बोकार करेक्ट, आइए बोकर करेक्ट, नहीं, तलुकार, तलुकार, तलुकर क्या है, सरनेम क्या है, हाँ सालूम के तू चुल्लू भर पानी लेके डूब मर, इधर मेरे बाजू में घर के इधर नाला है, तेरे को तेरे जैसी लड़की को डुबाने के लिए ठीक है, तू डूब जाएगी उधर नाला में, तो डूब जा, व्हाइट पेंट का भगवान का दिया व्हाइट पेंट में ब्लैक पेंट में तो कन्वर्ट हो जाएगी। डोंकी लेंथ इज मेड ट्राइस बोले तो सी बुद्धि चला रहे, बुद्धि चला, लेंथ इज मेड ट्राइस मतलब एल डैश इज 3L, तो वार कितना ब्रदर, वार कितना, पहले कितना था, पहले पहले एल था, अभी अभी 3L हुआ, तो बढ़ा कितना, 2L बढ़ा, 2L इंक्रीज, 2L इंक्रीज बोले तो, 2L इंक्रीज बोले तो 200%, करेक्ट ना, करेक्ट ना, हाँ या ना, परफेक्ट, ओके बच्चा, ओके बच्चा, गया नहीं गया, बट न्यू रेजिस्टेंस काटना था, सबके लिए गया नहीं गया, कॉन्सेप्ट गया नहीं गया, एल डैश इज 3L, पहले एल था, पहले एल था, पहले एल था, अभी 12 हुआ, तो कितना इंक्रीज, 3 में से 1 गया, 12 इंक्रीज हुआ, मतलब 200%, बट दिस इज नॉट द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज न्यू रेजिस्टेंस, कॉन्सेप्ट इज सिंपल, कॉन्सेप्ट इज आर डैश इज एन स्क्वायर आर, आर डैश इज 3 स्क्वायर आर, आर डैश इज 9 आर, ट्रिक यही है, यही ट्रिक है, क्लियर, वेट, सेम वॉज फॉर द प्रीवियस प्रॉब्लम ऑल्सो, सेम वॉज फॉर प्रीवियस प्रॉब्लम ऑल्सो, हाउ मच इंक्रीज, सेम वॉज द प्रीवियस प्रॉब्लम, एक्स प्रीवियस प्रॉब्लम, वेट, फॉर्मूला इज करेक्ट, दिस इट्स अ फॉर्मूला, ट्रिक, फॉर्मूला, ट्रिक याद करिए, कॉम्पिटिटिव, फॉर्मूला, ट्रिक ये याद कर, ओके आई विल आस्क अ क्वेश्चन नाउ, वेट, ये स्टार मार्क कर, इसको स्टार मार्क कर, देख मैं बताता हूं, प्रीवियस प्रॉब्लम में भी यही आंसर था, यही फॉर्मूला है प्रीवियस के लिए भी, आई कैन एक्सप्लेन, ओके लेट मी टेक प्रीवियस प्रॉब्लम, आई कैन प्रूव इट, प्रीवियस प्रॉब्लम कितना था, 10% ना, 10%,
10% था, बोले तो क्या 1.1, तो आर डैश इज 10% मीन्स 1.1 का स्क्वायर आर, तो आर डैश इज 1.21 आर, तो इंक्रीज इज हाउ मच, इंक्रीज इज 21%. तो फादर ऑफ ऑल ही, दिस फॉर्मूला इज फादर ऑफ ऑल, करेक्ट. प्रीवियस प्रॉब्लम 10% इंक्रीज मतलब 1.1, एन इज एन स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर 1.21 मीन्स इंक्रीज इज 21%. आई विल आस्क अ क्वेश्चन नाउ, बिफोर दैट आई विल आस्क किड्स, दे अंडरस्टूड विथ दिस प्रॉब्लम एंड द प्रीवियस प्रॉब्लम का रिलेशनशिप. यहां पे बच्चा इज आस्किंग मी व्हाट इज एन, आई जस्ट राइट हियर इन दैट फॉर्मूला व्हाट इज एन. आर डैश इज एन स्क्वेयर आर, एन इज न्यू लेंथ. ओके, क्लियर. ओके टू यू एवरीबडी? ओके टू यू? एन इज न्यू लेंथ. हाँ, फ्लैशबैक हो रहा है सब अच्छे से? सबको अच्छे से दिमाग में जा रहा है? वन टेस्ट नाउ टू ऑल, इफ द लेंथ इज मेड हाफ, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस? चलो आई गिव अ प्रॉब्लम लाइक दिस, वेट, आई गिव अ प्रॉब्लम. ओके, बिफोर आई स्टार्ट विथ दैट, आई वन मिनट, आई विल फ्रेम इट एज न्यू प्रॉब्लम, विल फ्रेम इट एज अ न्यू प्रॉब्लम. वेट, see, I hope before I start with the new problem, I will make this clear. If length is made thrice, new resistance is 9R. Trick was 3 ka square. 3 ka square was 9R. Now we will come to next problem.